मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा प्रवास पर हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का देलाखारी के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कुर्सी ढाना आगमन हुआ, जहां आयोजित क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल हुए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे नाथ संगठन को मजबूत करने एक एक पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं में चर्चा करते नजर आ रहे हैं। आज इसी तारतम्य में जामुनडोंगा, चावलपानी, देलाखारी, बमनी, झिरपा, लहुगड़ुआ, तामिया एवं इटावा मुत्तोर की क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियों के बीच शामिल पदाधिकारियों से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पर्यवेक्षक जमील खान एवं समस्त क्षेत्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के समस्त पन्ना प्रभारी एवं बूथ प्रभारी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान कमेटियों के पन्ना प्रभारी एवं समन्वयकों से प्रत्येक बूथों की जानकारी ली। पूर्व में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की समीक्षा को शामिल करते हुए आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। सभी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथों पर लगन और मेहनत से कार्य करते हुए जीत दिलाने की बात कही। अपने उद्बोधन में सांसद नकुलनाथ ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा छिंदवाड़ा को टारगेट कर रही है, लेकिन कमलनाथ जी को पूरा प्रदेश देखना है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बड़ी है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। भले ही पूरे भारत में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1200 हो, लेकिन मध्य प्रदेश में 500 रुपए में दिया जाएगा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, मुझे एक एक गांव पहुंचना संभव नहीं है, पर आपको मेरी आवश्यकता भी है। चुनाव के लिए नहीं, तालाब बनाने के लिए, कर्जा माफ करने के लिए, जो बाकी बचा है मुझे पूरे प्रदेश को देखना है। इसलिए छिंदवाड़ा की जनता समझदार है और फैसला वह खुद करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन्होंने छिंदवाड़ा के लिए क्या किया। बदले की भावना से छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज का काम रोक दिया, यूनिवर्सिटी का काम रोक दिया। शिवराज सिंह का समय आ गया है, पूरा प्रदेश इन्हें विदा करेगा, बड़े प्यार से विदा करेगा। फिर से कोई शक नहीं है, मैं तो पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूँ, करता रहूंगा। आपके बीच में एक एक गाँव आना मेरे लिए संभव नहीं होगा, पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद आपकी जमीन मजबूत है। आपको मेरी आवश्यकता है चुनाव के लिए नहीं, आपको मेरी आवश्यकता है तालाब बनाने के लिए, आपको मेरी आवश्यकता है कर्जा माफ करने की, जो बाकी कर्जा बचा है इसकी आवश्यकता है। आप संगठन की नींव है और जो भी परिणाम आता है ये आपके कारण आता है, क्योंकि आप इस संगठन की नींव है। आप या आए इतने साल आपने कांग्रेस का झंडा ऊंचा रखा, झंडा पकड़ के रहे आप, क्यों आप यहां आज आए हैं? यहां कोई पुरस्कार नहीं मिलना, कोई ठेका नहीं मिलना, कोई कमीशन नहीं मिलना। आपको कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा है आपको खींच के लाई, ये निष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा अगले 5 महीने में। इतने साल आप निष्ठावान रहे कांग्रेस के प्रति, आपने कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस का इतिहास में विश्वास रखा। अब आखिरी 5 महीनों में ये आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा। भारत देश में गैस सिलेंडर का भाव 2000 रुपए क्यों ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के हर माता और बहन को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। और तो जो दूसरी घोषणा होगी वो ये होगी कि माताओं और बहनों को अब 1500 रुपए पेंशन की राशि मिलेगी। और ये लाडली बहना योजना से हटकर है। इसकी खासियत ये है कि घर बैठे बैठे आपको 500 रुपए में सिलेंडर और 1500 रुपए में पेंशन की राशि मिलेगी। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज़ के लिए गजानन बोरकर की रिपोर्ट।